हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आपकी गर्मी का छुट्टियाँ हो गई है, स्कूल में बहुत मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो बच्चों, हमारे स्कूल में भी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक दिन में मैं दो वीडियो अपलोड कर दूँ। क्योंकि स्कूल रहने से, जब स्कूल था तो बहुत मुश्किल होती थी बच्चों मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि सुबह से स्कूल में जाती थी और फिर स्कूल से आ कर के शाम तक मेरा ट्यूशन चलता था, कोचिंग चलता था। तो थोड़ा सा समय जो हमको रात को मिलती थी, उसी समय हम वीडियो बनाते थे, ताकि हमारे जो भी बच्चे हैं, खास करके जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं, उन सब बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि उन सबको मेरा पढ़ाई से फ़ायदा हो सके। तो बच्चों, आपको तो गर्मी छुट्टी मिल गई है, तो घूमना तो ज़रूरी है। कोई नानी घर जा रहे हो, कोई मामा घर जा रहे हो, तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों आपको पढ़ना तो होगा, क्योंकि फिर स्कूल खुलने के बाद फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत सारे होमवर्क, हॉलीडेज होमवर्क भी मिला है, वो होमवर्क करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल खुलने से आपको टीचर्स को दिखानी होगी। तो इसलिए बच्चों, थोड़ा सा खेलकूद कीजिए, घूमने भी जाइए, साथ साथ पढ़ाई भी थोड़ा कर लीजिए, ताकि ज़िंदगी में अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा से पढ़ोगे तो ही तो ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। तो बच्चों, और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लिए हैं व्याकरण। व्याकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं और शब्द विचार संबंधी बहुकल्पित प्रश्न यानी MCQ, जो एग्ज़ाम में बहुत माने आती है। इस टाइप का क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है और ये हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर चार विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज़ करना है कि सही आंसर क्या है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, क नंबर में स्वर, ख नंबर में वर्ण, ग नंबर में व्यंजन और घ नंबर में ध्वनि। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। यहाँ पर ख नंबर जो ऑप्शन है, वर्ण, वो सही आंसर होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज करना है। पहला है उष्म व्यंजन के समूह को, सेकंड है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, थर्ड है अंतस्थ व्यंजन के समूह को और फोर्थ है स्वरों के क्रमबद्ध समूह को। तो बच्चों, वर्णमाला किसे कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। यहाँ पर ख नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए थर्ड नंबर में, ड और अढ़ ध्वनिया नहीं आती। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है क नंबर में शब्द के पहले, ख नंबर शब्द के बीच में, ग नंबर शब्द के बाद में और घ नंबर ख और ग। तो बच्चों, ड और अढ़ शब्द के पहले नहीं आती है। ऑप्शन नंबर जो क है वो सही होगा, ड और अढ़ शब्द के पहले नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर में, स्वरों की कुल संख्या होती है, यानी स्वर वर्ण के कुल संख्या कितने होते हैं। ऑप्शन देखिए, क नंबर में 10, ख नंबर में 8, ग नंबर में 9 और घ नंबर में 11। तो बच्चों, स्वरों की कुल संख्या घ नंबर ऑप्शन सही रहेगा, 11। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन, स्वरों के वर्गीकरण का आधार होता है। ऑप्शन देखिए, क नंबर में स्वराघात, ख नंबर में मुख विवर से वायु निकालने में लगा समय, ग नंबर में उच्चारण में लगा समय और घ नंबर में उपयुक्त सभी। तो
यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। ख नंबर ऑप्शन देखिए, मुख विवर्षी वायु निकालने में लगा समय, यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर में स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या, यानी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देखिए 25, 26, 24 और 21, तो यहाँ पर क नंबर ऑप्शन 25, 25 ये सही होगा, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। नेक्स्ट देखिए सेवेंथ नंबर में य र ल व व्यंजन है। ऑप्शन देखिए क नंबर में उष्म, ख नंबर में अंतस्थ, ग नंबर में स्पर्श और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो य र ल व कौन सा व्यंजन है बच्चों, अंतस्थ, ख नंबर जो ऑप्शन है अंतस्थ सही होगा, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों एट नंबर में री का प्रयोग होता है, री का प्रयोग कहाँ पर होता है। ऑप्शन देखिए क नंबर में केवल संस्कृत से लिए गए तत्सम शब्दों में, ख नंबर में केवल हिंदी के तद्भव शब्दों में, ग नंबर में हिंदी के तत्सम शब्दों में और घ नंबर में हिंदी और संस्कृत दोनों के तत्सम शब्दों में। तो री का प्रयोग होता है ये क नंबर ऑप्शन जो है केवल संस्कृत से लिए गए तत्सम शब्दों में ही री का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर क सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्वर का भेद नहीं है, स्वर का भेद नहीं है। ऑप्शन देखिए क नंबर में संयुक्त, ख नंबर में हर्ष्व, ग नंबर में प्लुप्त और घ नंबर में स्पर्श, तो यहाँ पर क नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, संयुक्त ये स्वर का भेद नहीं है। नेक्स्ट देखिए टेंथ नंबर में हलंत का प्रयोग किया जाता है, हलंत बच्चों जो ऐसे तिरछी रेखा जुटानी जाती है इसको हम हलंत का चिन्ह कहते हैं। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन देखिए क नंबर व्यंजन को द्वित्व रूप में लिखने के लिए, ख नंबर में स्वर व्यंजन को अलग करने के लिए, ग नंबर में व्यंजन और स्वर को जोड़ने के लिए और घ नंबर में व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। तो यहाँ पर घ नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि हलंत का प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किया जाता है, हलंत का प्रयोग घ नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। अब इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन को देखिए, शब्द रचना की व्याकरणिक कोटि है, शब्द रचना की व्याकरणिक कोटि है, ऑप्शन देखिए क नंबर संधि, ख नंबर उपसर्ग एवं प्रत्यय, ग नंबर समास और घ नंबर उपयुक्त सभी। तो शब्द रचना की व्याकरणिक कोटि यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सभी, ये जो उपयुक्त सभी सही होगा, यानी क ख और ग तीनों ये सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ उपयुक्त सही सभी इसका सही जवाब होगा। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्याकरण कराता है, व्याकरण क्या कराता है उसका जवाब आपको देना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है क नंबर में भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान, ख नंबर में आशुलेखन का ज्ञान, घ ग नंबर में सैद्धांतिक एवं व्याकरणिक व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान और घ नंबर में उपयुक्त सही सभी। तो यहाँ पर व्याकरण ज्ञान कराता है, यहाँ क नंबर ऑप्शन सही होगा, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान, व्याकरण क्या कराता है, भाषा के शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कराता है, तो ये ट्वेल्थ नंबर का सही जवाब होगा क नंबर, भाषा के शुद्ध अशुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, आधा चंद्रबिंदु आमे आधा चंद्रबिंदु
इसको आगत वर्ण कहते हैं, को वर्णमाला में किस रूप से शामिल किया जाता है। ये जो चिन्ह है बच्चों, इसको किस में शामिल किया जाता है। क नंबर ऑप्शन देखिए, स्वर के रूप में, ख नंबर में आगत के रूप में, ग नंबर में व्यंजन के रूप में और घ नंबर में अनुनासिक के रूप में। तो ये जो आधा चंद्रबिंदु है, इस वर्णमाला को आगत के रूप में शामिल किया जाता है। बच्चों ये जो ख नंबर ऑप्शन है आगत के रूप में, ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में, विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, क नंबर समान अर्थ के लिए, ख नंबर विपरीत अर्थ के लिए, ग नंबर वाक्य संक्षिप्तीकरण के लिए, घ नंबर भाव पलवन के लिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द क्या करने के लिए, किसमें प्रयोग किया जाता है बच्चों? ख नंबर ऑप्शन विपरीत अर्थ के लिए, यानी उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इसका 14 का ख नंबर ऑप्शन सही होगा, विपरीत अर्थ के लिए। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में, पर्यायवाची एवं अनेकार्थी शब्द में अंतर है। क्या अंतर है? क नंबर देखिए अर्थ का, ख नंबर उच्चारण का, ग नंबर क और ख दोनों का, और घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में यही अंतर है, अर्थ का। क नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा, अर्थ का, क्योंकि पर्यायवाची क्या है? नाम अनेक लेकिन अर्थ एक। नाम अलग अलग होता है लेकिन उसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है वो एक ही होता है। और अनेकार्थी में क्या होता है? अनेक अर्थ होता है, एक ही नाम का बहुत सारा अर्थ उसका होता है, इसलिए उनका जो अंतर है वे अर्थ में ही होता है। इसलिए 15 का क नंबर ऑप्शन अर्थ का सही जवाब होगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, क नंबर अनेकार्थी शब्द, ख नंबर पर्यायवाची शब्द, ग नंबर श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द, और ख नंबर विपरीतार्थक शब्द। तो समान अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? ख नंबर ऑप्शन जो है पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ देने वाले समानार्थी शब्द या तो फिर पर्यायवाची शब्द, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो 16 नंबर का आंसर होगा, समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ख नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए 17 नंबर में, प्रारंभ में भाषा का कौन सा रूप था। ऑप्शन देखिए, क नंबर में लिखित, ख नंबर में मौखिक, ग नंबर में संकेत वाला, और घ नंबर में अन्य। तो बच्चों प्रारंभ में भाषा का ये ग नंबर जो ऑप्शन है ये सही होगा, संकेत वाला, यानी प्रारंभ में शुरू में भाषा का सांकेतिक रूप ही चलता था। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क में 18, ख नंबर में 20, घ नंबर में 22 और घ नंबर में 24। तो भारत के संविधान में 22 भाषा को ही मान्यता मिली है, ग नंबर जो ऑप्शन है 22 ये सही होगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर में, दुग्ध कैसा शब्द है। क नंबर तत्सम, ख नंबर तद्भव, ग नंबर देशज और घ नंबर विदेशी। तो यहाँ पर क नंबर तत्सम शब्द ये सही होगा, दुग्ध कैसा शब्द है बच्चों? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर में, फुटबॉल कैसा शब्द है। ऑप्शन दिया है, क नंबर में तत्सम, ख नंबर में तद्भव, ग में देशज और घ में विदेशी। तो ये फुटबॉल कैसा शब्द है? विदेशी, यानी ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, फुटबॉल ये विदेशी भाषा है, घ नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में पगड़ी कैसा शब्द है। पगड़ी कैसा शब्द है, यहाँ क नंबर में तद्भव, ख नंबर में तत्सम, घ नंबर में देशज और घ नंबर में विदेशी। तो ये ग नंबर ऑप्शन देशज सही होगा, पगड़ी देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सूर्य का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन दिया है क नंबर में सूर्य, ख नंबर में सूरज, ग नंबर में सूर्य और घ नंबर में अन्य। तो बच्चों सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? ख नंबर ऑप्शन सही होगा, सूरज। सूर्य का तद्भव सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में। अनपढ़ में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अनपढ़ में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन दिया है क नंबर में अन, ख नंबर में अ, ग नंबर में पढ़ और घ नंबर में आना। तो यहाँ पर अनपढ़ में उपसर्ग है अन, क नंबर ऑप्शन सही होगा अन। इसके लिए बच्चों आपको उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर को जानने होगा कि उपसर्ग कहाँ लगाया जाता, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता। सारे हिंदी ग्रामर का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आप अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको सारा ग्रामर का चैप्टर मिल जाएगा। ये सब चैप्टर उपसर्ग प्रत्यय शब्द विचार सारे चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, आप ज़रूर उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो बच्चों अनपढ़ में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अन। तो 23 नंबर का क नंबर सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर में सुंदरता में ता क्या है? ऑप्शन दिया है क नंबर में उपसर्ग, ख नंबर में प्रत्यय, ग नंबर में मूल शब्द और घ नंबर में अन्य। तो सुंदरता में ता क्या है? प्रत्यय। ख नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, प्रत्यय। ता क्या है? प्रत्यय। नेक्स्ट देखिए 25 में धार्मिक में मूल शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है क नंबर धर्म, ख नंबर एक, ग नंबर धान और घ नंबर अन्य। तो मूल शब्द क्या है धार्मिक में? क नंबर ऑप्शन सही होगा, धर्म। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर में क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द कहाँ लगता है? प्रत्यय शब्द कहाँ लगता है? शब्द के आगे, पीछे, ना बीच में, ना कहीं नहीं। ऑप्शन दिया है क नंबर पहले, ख नंबर पीछे, ग नंबर बीच में और घ नंबर कहीं नहीं। तो प्रत्यय शब्द लगाया जाता शब्द के पीछे, यानी ख नंबर ऑप्शन सही होगा, पीछे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग शब्द कहाँ लगता है? उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है शब्द के? क नंबर में पीछे, ख नंबर में पहले, ग नंबर में बीच में और घ नंबर में कहीं नहीं। तो ऑप्शन नंबर ख पहले सही होगा, क्योंकि उपसर्ग कोई भी शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय पीछे लगाया जाता है, यानी शब्द के अंत में और उपसर्ग शब्द के पहले प्रारंभ में लगाया जाता है। इसलिए इसका 27 का ऑप्शन नंबर ख सही होगा, पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मुहावरे की विशेषता है, मुहावरे की विशेषता है, ऑप्शन देखिए क नंबर रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना, ख नंबर में इनके रूप रचना का अपरिवर्तित रहना, ग नंबर में वाक्य में लिंग वचन तथा कारक में परिवर्तित करना और घ नंबर में उपयुक्त सभी। मुहावरे की विशेषता है, यहाँ पर क नंबर ऑप्शन सही होगा, रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों में पृथकता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है क नंबर में उपविराम, ख नंबर में पूर्ण विराम, ग नंबर में अल्प विराम और घ नंबर में अर्ध विराम। जो विराम चिन्ह का चैप्टर है, अगर आपने पढ़े हैं तो ज़रूर इसको सकेगा और अगर नहीं पढ़े हैं तो अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं विराम चिन्ह का चैप्टर, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ हम आंसर बताते हैं। वाक्य में एक ही प्रकार के जब पद या पदबंधों में पृथकता दर्शाया जाता है तब यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, ग नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा, अल्प विराम, जिसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, वाक्य में छूटे अंश को सूचित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह, यहाँ पर ऑप्शन दिया है क नंबर में निर्देशक चिन्ह, क
ख नंबर में विवरण चिन्ह, ग नंबर में योजक चिन्ह और घ नंबर में हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो जब वाक्य में कोई अंश छूट जाते हैं, कहीं पर भी अगर हम लोग का छूट जाता है लिखते समय, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चिन्ह लगा करके, ये जो चिन्ह लगा करके ऊपर में लिखते हैं उसको कहते हैं हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। तो इसका 30 नंबर का आंसर होगा घ नंबर, ऑप्शन नंबर घ, हंस पद या त्रुटि पूरक, ये सही आंसर होगा। तो बच्चों आपको हिंदी ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हम दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर क्लास के लिए, यहाँ तक कि 9, 10 की बच्चों के लिए भी और जितने भी महत्वपूर्ण कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उन सब एग्ज़ाम में भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था, आज का जो सवाल था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए आपको पूरा इसको देखना है, समझना है। अगर आप चाहें तो कॉपी में नोट भी कर सकते हो। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई कैसे लगता है, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मुझे पढ़ाने का और इच्छा जागे और मैं इजी तरीका से आप सभी को पढ़ा पाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।